गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक एलईडी ट्यूबलाइट को खोला था एंड खोल के दिखाते कि उसके अंदर से क्या कुछ निकलता है एंड कैसे वो उतना ज्यादा रोशनी दे पाती है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला ट्यूबलाइट मैंने खोला था एंड इसके अंदर से क्या कुछ निकला था मैंने उस वीडियो में बताया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये वाला एक एलईडी ट्यूबलाइट मिला था एंड मिला था ये वाला एक SMPS। SMPS का मतलब गाइस स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब SMPS का काम कैसा होता है, AC इनपुट होता है, इधर से AC इनपुट होता है, अच्छे समझो, इधर से AC इनपुट होता है, देन वो DC में कन्वर्ट होता है, फिर से वो DC AC में होता है, फिर से वो AC DC में कन्वर्ट होके यहाँ से निकलता है, मतलब एक ही स्टेप दो बार होता है, इसीलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। तो ये वाला स्विच मोड पावर सप्लाई मेरे हिसाब से ये 12 वोल्ट का है। आप तो जानते हैं कि ये वाला जो लाइट होता है या तो ये 4 वोल्ट पे जलती है या फिर ये 6 वोल्ट पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 वोल्ट पे जलती है। मेरे हिसाब से वो वाला SMPS 12 वोल्ट का ही है या फिर 6 वोल्ट का, मेरे हिसाब से ये 12 वोल्ट का ही है। एंड गाइस, आज हम इसको इस 220 वोल्ट प्लग के साथ सीधा कनेक्ट कर देंगे, बीच में से वो SMPS हटा देंगे, देन बूम। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम सिंपली ये 220 वोल्ट जो प्लग आता है इसको सिंपली इस लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं ये लाइट का ही वायर है, तो आप इसको कनेक्ट करते हैं फटाफट। गाइस, ये जो लाइट है ये पूरा का पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको कुछ ऐसे मोड़ के राउंड शेप दे दिया है ताकि ये पूरा का पूरा फ्रेम में तो कम से कम आ सके। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन, यहाँ पर इसका प्लस और माइनस का निकला है, देन यहाँ पर ये 220 वोल्ट प्लग के साथ कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इस बोर्ड में बिजली है, हम इसको सीधा लगाएंगे, देन स्विच को ऑन करेंगे, देन आपको दिखाएंगे कि इस लाइट इसको लगाया प्लग में कुछ ऐसे, आप आवाज़ सुन सकते हैं, 1 2 3 बूम 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 बूम। गाइस, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लाइट एक बार जला है, 220 वोल्ट में एक बार पूरा का पूरा लाइट जला है, देन ये लाइट फिर से नहीं जल रहा। देख सकते हैं मैंने इसका स्विच दिया है, देख सकते हैं मैंने इसका स्विच दे रहा हूँ, फिर भी ये लाइट नहीं जल रहा, मतलब भाई 220 वोल्ट में एक बार तो जलेगा पूरा लाइफ टाइम जले या ना जले एक बार तो। गाइस, हमने इसको अच्छे से देखने के बाद हमको कुछ चीज़ देखने को मिला, ये देखो, ये जो बीच में एक लाइट है इसको काला पड़ गया है, देन इधर की साइड भी एक लाइट है, इसका भी मझखन में थोड़ा सा डट पड़ गया है ब्लैक कलर का। गाइस, देख सकते हैं ऐसे ही कुछ लाइट है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसा ही लाइट है, मतलब कुछ कुछ लाइट तो ख़राब हो गया है। अब जो है हम इस लाइट को खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ निकलता है। इसका खोलने का प्रोसेस मैं आपको और एक वीडियो में दिखाऊंगा, कि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। गाइस, हमने देखा कि एक 12 वोल्ट लाइट को सीधा 220 वोल्ट एसी में देने के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नीचे जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको ऐसी और मस्त मस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।